सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर नेक्स्ट स्नीकर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां हम बात करते हैं ऑल अबाउट स्नीकर्स के बारे में। तो आज का वीडियो स्नीकर्स पे ही होने वाला है, लेकिन स्नीकर्स का एक अलग कैटेगरी जो है स्पोर्ट्स शूज उस पर होने वाला है। सो गाइज, अगेन मैंने मंगाया हुआ है अजियो की तरफ से एक स्पोर्ट्स स्नीकर्स जो कि आता है परफॉर्मेक्स की तरफ से। इनके प्रोडक्ट गाइज ओजी होते जा रहे हैं। इनके प्रोडक्ट बहुत सारे मैं यूज करता हूँ, जैसे शॉर्ट्स वगैरह, या मैंने इससे पहले एक और स्नीकर्स मंगाया हुआ था, तो इससे पहले मैंने यूज किया, तो इस कंपनी के साथ परफॉर्मेक्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस जो है अच्छा रहा, तो मैंने कहा चलो फिर से मंगाते हैं एक स्पोर्ट्स शूज एंड आप लोगों को उसका रिव्यू देते हैं। अगर आप लोग जॉगिंग के लिए ढूंढ लें, या वॉकिंग के लिए, या कहीं कंफर्टेबल के लिए, आप कहीं भी पहन के जाने के लिए एक अच्छा शूज ढूंढ लें, तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इसे शूज को मंगाया। तो फटाक से विदाउट टाइम वेस्टिंग इसको फटाक से अनबॉक्स करते हैं, रिव्यू देते हैं कि आपको इसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर लेना चाहिए तो इस लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से जाके आप इसे डायरेक्ट खरीद सकते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग फटाक से इसको अनबॉक्स करते हैं, इसको निकाल लेते हैं बाहर एंड हमें पन्नी के अंदर देखने को मिल जाता है एक बिल जो, एंड इसके अंदर और कुछ नहीं है। अगेन मैं सारे अपने प्रोडक्ट आजियो से ही मंगाता हूँ, बिकॉज मुझे अच्छी डील मिल जाती है एंड अच्छे प्रोडक्ट भी, जेन्युइन प्रोडक्ट मुझे देखने को मिलते हैं, तो इसलिए मैं आजियो से मंगाता हूँ। दैट्स इट, तो इसको भी करते हैं साइड में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम बॉक्स की बात करें तो गाइस, बॉक्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिल जाता है, आप जैसे देख सकते हो परफॉर्मेंस की तरफ से आता है। एंड इसके प्रोडक्ट गाइस बहुत ही ज़्यादा एक्टिव वेयर में ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं। एंड आपको पता होगा परफॉर्मेंस जो है एक ब्रांड, एक अजियो का ही खुद का ब्रांड है, तो आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो कि यह इन लोग का प्रोडक्ट एकदम ओजी होने वाला है। अगेन इस पर MRP पड़ी हुआ 1799 का, तो इतना आपको पे नहीं करना है। ये मैंने मंगाया था UK 7 स्काई ब्लू कलर का, तो इसको फटाक से अनबॉक्स करते हैं। वाह, क्या स्नीकर्स यार, फक। एंड इसके अंदर और कुछ नहीं, इसके अंदर पेपर देखने को मिल जाता है जिस पे परफॉर्मेंस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, तो आई थिंक गुड। 700 रुपये में और क्या लोगे, तो आई थिंक बहुत ही अच्छी। तो इस बॉक्स को भी करते हैं साइड में, हम मेन फोकस करते हैं अपने स्नीकर्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, स्नीकर फर्स्ट लुक देखने में तो आपका ये दिल जीत लेने वाले हैं, ऐसे स्नीकर ये लग रहे हैं। स्नीकर मैं इनको नहीं बोल रहा हूँ, स्नीकर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी आदत पड़ी हुई स्नीकर बोलने की, लेकिन ये है स्पोर्ट्स शूज जो कि स्नीकर्स का ही एक कैटेगरी होता है। एंड इसके अंदर पेपर है जिसको निकाल लेते हैं, आई थिंक एक और है, तो दो दो पेपर लगा के दिया जाके ये आगे की सेफ्टिंग इसकी पूरी बरकरार रहे, तो इसको भी निकालते हैं एंड इसको भी करते हैं साइड में। एंड इसके अंदर के भी कुछ पेपर्स उन्हें भी बाहर निकाल लेते हैं। इसकी गाइज में डिटेलिंग एंड रिव्यू की बात करूँ, उससे पहले आप फर्स्ट फुल इस स्नीकर्स का फर्स्ट लुक देखो, कितना खतरनाक एंड कितना सेक्सी एंड कितना बेहतरीन स्नीकर लग रहा है। इसका जो टंग दिया गया गाइज वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाला है। तो इसकी कुछ डिटेलिंग की हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, अब बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ही ज़्यादा भारी नहीं बनाया गया हुआ है एंड बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट कर दिया गया, हल्का है। जब आप इसको पैरों में डालेंगे तो आपको ज़्यादा भारी सा महसूस नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा हल्का कंफर्टेबल महसूस होगा। एंड इसकी कुछ डिटेलिंग की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आगे का जो आप देख सकते हो, इसको जो है बहुत ही बारीकी से इसको जो आगे का मटेरियल है कैनवस का, इसे डिज़ाइन किया गया हुआ है ताकि ये अच्छे से इसको मजबूती बरकरार रहे। एंड जो आगे का आप ये पार्ट देख सकते हैं जहाँ छोटे छोटे से होल्स टाइप में कर दिया गया, ये डिज़ाइन इसलिए होता है ताकि आप जब इसे पैरों में डालें तो इसके अंदर बदबू ना बैठ जाए एंड वो हवा अंदर बाहर होती रहे। क्या बोला तूने? एंड अब जब इसको आप पहने तो आपके पैरों में गर्मी भी ना लगे। एंड यहाँ पे आप छोटा सा आपको देखने को मिल जाएगा परफॉर्मेंस का लोगो ब्लैक कलर का, एंड सेम आपको व्हाइट कलर का पीछे को देखने को मिल जाएगा। एंड जो इसका बैक का मटेरियल गाइस, ये एकदम ओजी कर दिया गया हुआ है। एंड ये जो आप ब्लैक कलर का ये नीचे वाला पार्ट देख रहे हैं, ये इन्होंने दिया हुआ है फ्लेक्स ट्यूब करके, इनकी कोई टेक्नोलॉजी है जो ये यूज़ करते जाके इसको पहनने पर, जब आप इसको पहनेंगे तो आपके पैरों में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। एंड ये जो ब्लैक कलर का पूरा पीछे का मटेरियल देख सकते हो गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक के कर दिया गया ताकि जब इसको आप पहनेंगे तो बाइक का जो सपोर्ट है वो एकदम परफेक्ट होने वाला है। एंड यहाँ पे आपको शू पहनने में एक आसानी मिले तो इसके लिए आपको एक डो स्टेप मिल जाते हैं। एंड इसकी क्वालिटी भी गाइस कैनवस की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड इसकी शू लेस की बात करें तो वो भी ज़्यादा ठीक ठाक ही है एंड जूते के हिसाब से बढ़िया है, मैं बेकार नहीं कहूँगा। एंड आपको आगे जो है रबड़ पेज की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी परफॉर्मेंस की, जो कि अच्छी क्वालिटी है की है गाइस, कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया इस शूज की डिज़ाइनिंग को लेकर। एंड यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट करके आपको शूज के किनारे किनारे डिज़ाइन देखने को मिल जाते हैं। एंड सेम आपको यहाँ पे एक व्हाइट पेज देखने को मिल जाता है एंड ये एक्स्ट्रा छेद कर दिया गया ताकि आप इसको आप अपने साइज़ के हिसाब से लेसेस को फिट कर सकते हैं। एंड इसके गाइज अंदर की बात करें, इनर सोल की बात करें, तो गाइज वो भी हमें ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। जैसे आप लोग को देख नहीं पा रहे होंगे लेकिन मुझे महसूस हो रहा है, आई थिंक अगर निकलता है तो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। नहीं गाइस, ये चिपका हुआ अंदर से, लेकिन आप अंदर का एक बार जूम करके दिखा दूंगा कि आप लोग देख सकते हो कैसा लग रहा है। तो अंदर आपको परफॉर्मेंस एक्टिव वेयर का लोगो देखने को मिल जाएगा एंड मेरा UK 7 है जो साइज मैंने मंगाया था वो देखने को मिल जाएगा एंड ब्लैक कलर का इनर सोल पड़ा हुआ। एंड इसकी गाइस रबड़ सोल की बात करें तो अगेन रबड़ सोल भी इसका बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। जैसे आप ब्लैक पार्ट देख सकते हो, ब्लैक पार्ट होता है ये हार्ड होता है ताकि जब इसको पहने तो इसकी जो कुशनिंग है वो परफेक्ट एकदम आपके पैरों में है। एंड जो आप बीच का देख सकते हो वो व्हाइट कलर का है, जिसे आपको इसको कुशनिंग और परफेक्ट मिल सकता है ताकि आप इसको बारीकी से
देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा लूज़ होता है एंड आपके पैरों में बहुत ही ज़्यादा मखफली टाइप में होता है कि आपको अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होगा। अगेन गाइज मैं कहूँगा अगर आपका बजट 700 के आसपास है तो इसे जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हैं। मैं कहूँगा गाइज वैल्यू फॉर 100% ये मनी है एंड ब्रांडेड ये अजियो का खुद का ब्रांड है तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड इन सारी चीज़ों का प्रूफ ये है गाइज कि आप मेरे पैरों में देख रहे होंगे वीडियो में पहनने पर भी कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है एंड जो इसका बाइक वाला पार्ट है ये बेहतरीन है जूते का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा बिकॉज ये आपके पैरों में एकदम सपोर्ट बना के रखता है जैसे आप वीडियोस में देख पा रहे होंगे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। एंड यहाँ पे छोटी छोटी सी माइनर डिटेलिंग और कर दी गई जैसे यहाँ लाइनिंग बना दी गई है एंड बहुत सारी इसकी माइनर डिटेलिंग। आई होप आप इस वीडियो में पूरा वीडियो कवर करने में छूट गए होंगे लेकिन जो माइनर एंड कुछ अच्छी डिटेलिंग थी जो मैंने बता दिया। एंड अगेन आपको लेसेस के पास यहाँ पे टंग सपोर्ट भी मिल जाता है जो कि आपको ब्लैक कलर का देखने को मिल जाएगा जिसमें लेसेस अंदर बाहर आए हुए तो ये बहुत ही छोटी छोटी माइनर डिटेलिंग इसकी बहुत सारी और भी है जो कि आप इसको मंगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये रहा गाइस हमारा हॉनेस्ट एंड छोटा सा अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो एंड नेक्स्ट स्नीकर आप किस स्नीकर पे देखना चाहते हो वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हो कि आप स्पोर्ट्स स्नीकर्स पे ही देखना चाहते हो या किसी अदर स्नीकर ब्रांड को देखना चाहते हो तो हमें कमेंट करके बताओ। हमारी कोशिश रहेगी कि उसे भी मंगा कर आप तक पहुँचाया जाए। आज का वीडियो कैसा लगा वो हमें लाइक करके माध्यम से बता सकते हो। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं लगे तो मत करो। लेकिन इसी तरह हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो द नेक्स्ट स्नीकर यूट्यूब चैनल। जय हिंद।